हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएस आदर्श स्कूल विजेता के साथ 66वीं स्तरीय कैरम प्रतियोगिता का समापन। पदमपुर एसएस आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 66वीं कैरम प्रतियोगिता में आज समापन किया गया। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दीपक वाजपेयी का प्रधानाचार्य ओम प्रकाश कलिया और अध्यक्ष अशोक कलिया द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य, अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि द्वारा विजेता उपविजेता राज्य स्तर पर चयनित 20 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। 17 वर्षीय वर्ग में विजेता रही एसएस आदर्श कॉन्वेंट स्कूल 19वीं पदमपुर और 17 वर्षीय छात्रा वर्ग में विजेता रही एसएस आदर्श उच्च विद्यालय पदमपुर व 19 वर्ष छात्रा वर्ग में विजेता रही द संस्कृत ग्लोबल स्कूल घड़साना और 19 वर्ष छात्रा में विजेता रही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की ट्रॉफी सभी खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। उप विजेता रहे खिलाड़ियों को भी ट्रॉफी व सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया गया। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले जिले का स्थान है। विद्यालय के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश कलिया ने मुख्य अतिथि और निर्णायक का आभार प्रकट करते हुए चार दिन चले कैरम प्रतियोगिता में मैचों को निर्णायक पारदर्शिता से पूर्ण करवाया। विद्यालय के अध्यक्ष अशोक कलिया ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा सौंपे गए कैरम प्रतियोगिता को निर्बाध संपन्न करवाने में खुशी अतिथि जाहिर की व निर्णायक मंडली को धन्यवाद दिया। 16 टीमों ने 59 प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिसमें से 20 खिलाड़ियों का राज्य स्तर पर चयन हुआ, जिसका प्रशिक्षण 5 दिवसीय एसएस आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय पदमपुर से लिया जाएगा। चयनित खिलाड़ी 27 नवंबर 2022 से 1 दिसंबर 2022 तक किशन लाल जी जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डींग भरतपुर में श्री गंगानगर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो दोस्तों, एसएस आदर्श कॉन्वेंट स्कूल के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि अपनी दो बच्चियों ने इस कैरम बोर्ड प्रतियोगिता में भाग लेकर अपना नाम रोशन किया और स्कूल का भी नाम रोशन किया है। आज के लिए बस इतना ही। कुछ फ़ोटोज है, ये मैं आपको इसमें शेयर कर देता हूँ, जो कि समापन के समारोह के समय ली गई है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता। धन्यवाद।